मेरा नाम डॉक्टर विकास यादव है। डॉक्टर साहब, आज अभी कैंप कहाँ पे लगाया जा रहा है और कितने मरीजों से क्या क्या उनकी जरूरत है, जिन्हें आप पूरा करें? हम अभी विनायक डेंटल एंड मेडिकल सेंटर कापासीता में जो कि है और दिल्ली रोड पे है, यहाँ पे हमने कैंप लगाया है और इसमें जनरल फिजिशियन, डेंटल और ईएनटी, ब्लड टेस्ट और फ्री मेडिसिन, ये सब इसमें रखा गया है। नॉर्मली जो डेंटल से रिलेटेड इनकी प्रॉब्लम है वो क्या सबसे ज्यादा समस्या लेके आ रही है? देखिए, सबसे ज्यादा समस्या आजकल क्योंकि फूड जो है वो आपका जंक फूड लोग ज्यादा खा रहे हैं और इस वजह से लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई, सबको फास्ट फूड की आदत हो गई है, इस वजह से टीथ में जो है कैविटीज लगना एक कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। प्लस जो ओरल हाइजीन पे लोग थोड़ा सा टाइम भी नहीं देना चाहते हैं, कम देना चाहते हैं, तो इस वजह से ये दोनों ही प्रॉब्लम है। इसकी वजह से डेंटल कैविटीज और आपके जो ओरल हाइजीन है वो लोगों का मेंटेन नहीं हो पाता, तो यही मेजर भी तो यही प्रॉब्लम लोग लेकर आते हैं। डॉक्टर विकास, एक बहुत जरूरी लोग ये जानना चाहेंगे कि ये हेल्थ चेकअप जो है आप इधर ही लगाते हैं कहीं और रूरल एरियाज में लगाने का कर रहे हैं या लगाए हैं? हमारे जो डेंटल कैंप्स हैं वो काफी जगह लगते रहते हैं, विलेज एरियाज में भी, थोड़े जो पुअर पॉपुलेशन है उनके पास भी, तो काफी रेगुलरली हम कैंप्स का आयोजन करते रहते हैं और यहाँ पर विद इन द प्रीमिसेस ऑल्सो हमारा लगभग एवरी सिक्स मंथ में ये कैंप का आयोजन होता रहता है, ताकि जो भी पुअर पीपल है, जो नीडी पीपल है, उनकी हम हेल्प करते हैं। कितना फायदा होता है लोगों को, कई बार क्या होता है अगर फ्री चीज देते हैं किसी को तो वो उसकी कदर नहीं करता है, तो कितना देखने को मिलता है लोग, कितना बेनिफिट है? लोग काफी फायदा उठाते हैं इससे और हम काफी टाइम से लगा रहे हैं यहाँ पर कैंप लगा रहे हैं, तो हमारे पुराने एक्सपीरियंस के हिसाब से हमें पा रहे हैं कि काफी लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और ये जो कापासीता एरिया है ये थोड़ा सा सेमी अर्बन एरिया है और लोग थोड़े से यहाँ पे ज्यादा पेइंग नहीं है और लोगों को फाइनेंशियली थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, तो इसलिए भी हम समय समय पर लोगों की मदद करने के लिए ये लगाते हैं। हमारी डेंटल की पूरी टीम है जिसमें कि सारे डेंटल के भी स्पेशलिस्ट हैं, जैसे रूट कैनाल स्पेशलिस्ट है और ब्रेसिस जो बच्चों को लगते हैं जो कि दांत के एडमिट होते हैं, उनको ब्रेसिस लगाए जाते हैं, तो उनके अलग स्पेशलिस्ट हैं। इसके अलावा जनरल फिजिशियन है, गायनी है और बाकी हमारे लैब टेक्नीशियंस वगैरह हैं जो कि ब्लड सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, तो ये सब यहाँ पे सारे लोग आए आएंगे। बेसिक प्रिकॉशन तो यही है कि आप एटलीस्ट दो बार दिन में ब्रश करें और एक एक जो चीज़ है जो लोगों को कम पता है शायद, वो ये है कि हम डेंटल फ्लॉस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। डेंटल फ्लॉस हम मतलब एक लोग अवॉइड कर देते हैं, तो डेंटल फ्लॉस कम भी, डेंटल फ्लॉस इज समथिंग, डेंटल फ्लॉस होता है कि ब्रश के साथ में हम एक ब्रश जो है दांत को सिर्फ अंदर और बाहर से क्लीन करती है, डेंटल फ्लॉस दांत के बीच के हिस्से क्लीन करती है, मेजरली कैविटी वही लगने के चांस होते हैं। तो मैं यही एक टिप देना चाहता हूँ सभी को कि आप डेंटल फ्लॉस का इस्तेमाल जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर शिल्पा शर्मा है, मैं ऑर्थोडॉन्टिस्ट हूँ जो डेंचर्स वगैरह में डील करते हैं, जो मोस्टली जो बुजुर्ग लोग होते हैं जिनके एक भी दांत नहीं होते उनको डेंचर्स प्रोवाइड करते हैं ताकि वो आराम से खाना वाना खा सके और अपनी डेली एक्टिविटीज कर सके। क्या रीजन होती है? देखिए, मेनली जो सिस्टमिक डिजीजेज होते हैं जैसे डायबिटीज हो गया और जो भी एबीपी वगैरह हो गया, जिसको डायबिटीज होती है मोस्टली उनमें बोन रिजॉर्प्शन ज्यादा होता है जिसकी वजह से टीथ हिलने लग जाते हैं और हिल हिल के टूट जाते हैं, या फिर ज्यादा डीके हो गया तो उसकी वजह से भी ज्यादातर दांत खराब हो जाते हैं, फिर वो निकालने पड़ते हैं, फिर सारे दांत फिर वापस से रिप्लेस हो जाते हैं। आजकल जो दांत लगाने की विधि है वो कई तरह की आ रही है, सबसे बेस्ट किसको मानते हैं, कौन सा ट्रीटमेंट सबसे अच्छा? हाँ, सबसे बेस्ट जो सबसे ज्यादा सक्सेस रेट जिसकी है उसको डेंटल इम्प्लांट्स बोलते हैं, उसमें बेसिकली हम लेमन टर्म्स में उसको स्क्रू बोलते हैं, जो कि जो भी हड्डी होती है वहाँ पे हम स्क्रू लगाते हैं, फिर उसके ऊपर हम टीथ प्लेस करते हैं, तो ज्यादातर आजकल जो ट्रेंड में चल रहा है दैट इज डेंटल इम्प्लांट। बाकी रिमूवेबल प्रोसेसेस तो लगाते ही हैं, वो तो ट्रेडिशनल है ही जो सालों से चलता आ रहा है, उसमें भी अलग अलग वेराइटीज आ गई, बहुत एडवांसमेंट्स आ गए हैं, अलग अलग अच्छे अच्छे मटेरियल्स यूज होते हैं जो ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं। आपने बात की डेंटल इम्प्लांट की, जिसमें खून के द्वारा किया जाता है, कई लोगों का ये मानना है कि
बाद में उससे तकलीफ होती है, लोगों को घाव हो सकते हैं, तो ऐसा कुछ होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि इसमें भी वैरायटीज होते हैं, जैसे कि जो टाइटेनियम कोटेड होते हैं, जो नोबल मेटल होता है, वो बायो कंपैटिबल होता है, तो वो बॉडी के साथ रिएक्ट नहीं करता है। बाकी पेशेंट कैसे अपना हाइजीन मेंटेन करके रख रहा है और उसको कोई सिस्टमिक डिजीज तो नहीं है, उन सब चीज़ें भी, वो भी फैक्टर्स होते हैं जो ध्यान में रखने आते हैं। नॉर्मली आपको क्या है कि यंगस्टर जो है, जो यूथ है, उनके भी दांत बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, कीड़ा लग जाता है, तो असल में यूथ को और क्या सलाह देंगे? बेसिकली ये इसीलिए हो रहा है बिकॉज ऑफ द फूड हैबिट्स, मेनली जो मैदा जो होता है वो ज्यादातर दांतों पे चिपक जाता है एंड इट डज नॉट गेट क्लीन बाय इटसेल्फ, तो आपको रेगुलर क्लीनिंग कराते रहना पड़ेगा। ठीक है, जो भी हम स्नैक्स खाते हैं, पिज्जा बर्गर फॉर एग्जाम्पल, यूथ ज्यादा खाते हैं तो वो चिपका रह जाते हैं, जिसकी वजह से डीके हो जाते हैं और फिर वो दांत खराब होते जाते हैं, तो वो सब अवॉइड करना है। या उससे रिलेटेड तो चीजें हैं, पंजाब के लोगों में मोमोज का चलन बहुत ज्यादा है, पिज्जा बर्गर इन सब चीजों को मतलब कम खाएं या फिर खाने के बाद में? देखिए, खाने के बाद अच्छे से सफाई रखना ज्यादा जरूरी है, जितना अच्छे से आप दांतों की सफाई रखेंगे उतना अच्छे से दांत रहेंगे, और बाकी आप फ्रीक्वेंट डेंटल विजिट तो करते ही रहना पड़ेगा। एक स्वस्थ दांतों के लिए हमें कितने दिनों के बाद में अपने डॉक्टर से संपर्क करते रहना चाहिए? देखिए, एवरी जो आईडीए रिकमेंड करता है वो एवरी 6 to 7 मंथ्स आपको डेंटल विजिट करना ही चाहिए एक बार अपने डेंटिस्ट के पास। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्वेता गुप्ता हूँ, रूट कैनाल स्पेशलिस्ट। दंत रोग से रिलेटेड जो चीजें हैं हम उनका इलाज करते हैं। आपने पूछा कि आज लोग हमारे पास मैक्सिमम किस चीजों के लिए आते हैं, तो सबसे ज्यादा कॉमन चीज अगर आप देखोगे तो वो है कि खाना फंसने की दिक्कत। उससे लोगों को पता चलता है कि दांत में कोई दिक्कत है, कहीं कोई चीज है जो हमें परेशान कर रही है, और उसकी वजह से वो क्लिनिक आके चेकअप कराते हैं। तो सबसे पहली चीज जो है वो है कि अगर आपको दांतों में कहीं भी किसी प्रकार का कोई दर्द है, खाना फंस रहा है, या किसी तरीके का कोई गड्ढा दिख रहा है, तो लोग उसके इलाज के लिए हमारे पास आते हैं और वहां से फिर हम चेकअप करके आगे की चीजों को समझाना शुरू करते हैं। और सबसे ज्यादा लोग मैम इग्नोर करते हैं दांतों की सफाई को लेकर के, सब चीजों पे ध्यान देते हैं लेकिन दांतों की सफाई को जैसे कि आपने बताया वो ध्यान नहीं देते, तो ऐसे में क्या समझ सकते हैं कि कितने दिनों में एक दांत की लाइफ कम से कम हो जाती है? मतलब जैसे कि पहले कह रहे थे कि 100 साल तक की दांत मजबूत रहते थे, आजकल लोग 40 साल 30 साल की उम्र में उनके दांत या दाढ़ जो है वो निकाल दी जाती है, क्या कहेंगे इस बारे में? ये कहेंगे कि आज की जनता जो है, आप ये कह सकते हैं कि नहीं, दांतों का ध्यान रखना चाहते हैं, बस ये है कि उन्हें सही तरीके की गाइडेंस नहीं मिल रही है। तो अगर उन्हें सही टाइम पे बताया जाए, सही इलाज बताया जाए, सही चीजों को उनका इलाज किया जाए, तो डेफिनेटली दांत उतने ही लंबे चलेंगे जैसे पहले चले जाते थे। लाइफस्टाइल में परिवर्तन आने की वजह से चीजों में बदलाव आया है, लेकिन उसी के साथ हमारी जो मोडालिटीज हैं वो भी बदली हैं। इसमें मैं एक एड ऑन करना चाहूंगा कि क्या होता है कि आजकल डेंटल ट्रीटमेंट क्या होता है कि लोग बोलते हैं बहुत एक्सपेंसिव है, बट क्या है कि डेंटल ट्रीटमेंट आपका अगर आप टाइम पे दिखा लेते हैं तो बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। तो ये भी एक मेजर टिप है लोगों के लिए, तो जनरल पब्लिक के लिए, कि आप जैसे ही आपको कोई प्रॉब्लम हो उसी टाइम आप डेंटिस्ट को विजिट करें, तो आपका खर्च भी काफी कम लगेगा। जितना लेट करते हैं उतना एक्सपेंस डेंटल का बहुत बढ़ जाता है, तो फिर लोग ये मतलब ये एक कंप्लेन यूजली करते हैं कि डेंटल ट्रीटमेंट बहुत महंगा होता है। तो महंगा इसलिए कि आप बहुत लेट आप डॉक्टर के पास जाते हैं। आरटीबी का भी ऑपरेशन का मतलब क्या ये समझा जाए कि बिल्कुल इलाज का अंतिम समय आ चुका है या उस दांत का? आप आज की डेट में बोलेंगे तो आरसीटी दांत बचाने की तरफ है, अंतिम इलाज माने आपका जो दांत है अब वो बचाया नहीं जा सकता, उसे निकालने का ही सलूशन है। तो आरसीटी को ये ना समझ के कि अंतिम इलाज है, ये सोचिए कि शुरुआत है दांत बचाने की। पहले हम ये कहते हैं कि अगर कहीं आपको थोड़ी दिक्कत है, हो सकता है उसे मसाला भर के या उसको बिना किसी और चीज से भी ठीक किया जा सकता है, लेकिन आरसीटी से मतलब है कि आप दांत को इलाज करके सही हालत में अपने साथ आजीवन साथ रख सकते हैं। धन्यवाद।